देखा लोग ये मुकाबला कैसे आप लोग के बीच जात बा। मैं श्रीमती गीता त्यागी और बेचन राजभर जी के साथ यूकी कंपनी की ओर से ये मुकाबला कैसे बा। हमके उम्मीद बा कि आप लोग के बीच ही कैसे जाई, जरूर ही आप लोग के पसंद आई। आज हिंसा का इंसा पुजारी हुआ, सरजमी से सराफती का निकला जनाजा। हवस के नशा में प्यासा परिंदा, दरिंदा बजाता है मातम का बाजा। मूर्ख भंवरा भटकता है क्यों दरी बदरी, लेगा नहीं फूल पतझड़ी में ताजा। कवाली के टुकड़ा लगल बिरहा जगत के लिए नई कवाली के टुकड़ा हम शुरुआत कर दी। देखा बेचन जी तनी ख्याल से गीत के सुन लिया। एक चोटी लगी थी अरे पहले से, एक चोटी लगी थी और पहले से, एक और लगाने आए हैं। चोटी लगी थी पहले से, एक और लगाने आए हैं। चोटी लगी तुम मेरे दिल के जख्मों को बाजार बनाने आए। लिखे गौर करेंगे। माली को गमकते और फूलों को, माली को गमकते फूलों को किसी रोज मसलते कहूँ या कातिल में, हम दर्द कहूँ या कहानी को चला। कहानी शुरुआत हुई, कौन जगह की कहानी लिखल गई, साफ साफ आप लोग के समझ में चली आई। आज इंसानियत का होश नहीं, आज इंसान को इंसानियत का होश नहीं, कर्म के आगे कुछ होता है संतोष नहीं। कहानी कौन जगह के लिखल गए, प्रांत बिहार ही भीम सिंह रहने वाला, प्रांत बिहार का ही भीम सिंह रहने वाला, उम्र 30-40 साल लेकिन भोला भाला। नई नवेली दुल्हन 26 की उमरिया थी, हुस्न की मलिका मानो पूनम की अंजोरिया थी। आकर दिल्ली में मजदूरी जबकि करने लगा, आकर दिल्ली में मजदूरी जबकि करने लगा, किसी तरह से अपना पेट को भी भरने लगा। शारीरिक सुख से उमा हरदम तड़फड़ाती थी, जवानी जिंदगी को मुश्किल से बिताती थी। बिहारी आ गया उमा को वहीं छोड़ दिया, बिहारी आ गया उमा को वहीं छोड़ दिया, अपाहिज बेटी रूबी से नाता तोड़ दिया। कहानी समझला, कहानी लिखल गल, प्रांत बिहार के कहानी लिखल गई बा। बिहार के रहे वाला भीम रहलन, भीम भाई साहब इतना गरीब रहलन, भाई साहब उनकर उम्र 40 साल होत रहल, लेकिन उनके दुल्हन के नाम बतावल गल उमा, उनकर मेहरारू रहल, उनके दुल्हन के उम्र बतावल गल 26 बरस, लेकिन भाई साहब बाहरी गरीबी, गरीबी जैसा चीज कोई चीज नहीं खराब है। भाई साहब सोच गया भीम कैसे हम बिहार में हमारी जिंदगी बीती, लेकर के अपने दुल्हन को भाई साहब दिल्ली में चला आया, मजदूरी लगल करे। धीरे धीरे समय बीत गई, एक बेटी पैदा भइल, जो बेटी के प्रेम से लोग नाम रखलन रूबी। भाई साहब वो बेटी के पैर में जन्मते लकवा मार दिलस, जन्मते लकवा मार दिलस। उस समय भीम सोच गया हमार मेहरारू जनुमा भी आप ये तो 26 वर्ष के न भी आप, हम 40 वर्ष के हैं, लेकिन हमके बुझात बागी कौनों से के प्रेम चलत बा। लेकिन भाई साहब उमा वही गांव, वही दिल्ली शहर के रहे वाला एक लड़का से प्यार चलत रहल। एक लाइन यहाँ गीत लगेल, भीमसेन मेहरारू के दिल्ली छोड़ के, लड़की के दिल्ली छोड़ करके बिहार में चल गए। एक लाइन यहाँ गीत लिखल गए, ढुक जाला सजनवा ढुक जाला, मुका जब पावे उहो घरवा में, मुका जब पावे उहो घरवा में, ढुकी जाला सजनवा ढुक जाला सजनवा। छोड़ के और अपने लड़की रूबी को छोड़ करके बिहार में चल गए अपने देहाती। अरे रूठ गईले सजनवा रूठ गईले, कई के मजदूरी बितावे दिनवा हो, कई के मजदूरी बितावे अपन दिनवा हो। उमा अपन मजदूरी देखा लगल करे, लेकिन देखा भइल का बाबा राम स्वरूप वही करे मजदूरिया, राम स्वरूप वही करे मजदूरिया, राम स्वरूप वही करे मजदूरिया। 30 बरस की जे करी, 30 बरस की जे करी रहली उमरिया, 30 बरस की जे करे रहली उमरिया, 30 बरस की जे करे रहली उमरिया। रुक गईले सजनवा, रुक गईले, रुक गईले, रुक गईले सजनवा, रुक गईले, रुक गईले, रुक गईले सजनवा, रुक गईले। देखे उमा के ललचे मनवा हो, देखे उमा के ललचे मनवा हो, रूठ गईले सजनवा, रूठ गईले सजनवा, रूठ गईले। काम मजदूरी करत रहल बाबा, वही जगह पर राम स्वरूप नाम का आदमी था भाई साहब, जेकर उम्र 30 साल रहल बाबा, जेकर उम्र 30 साल रहल बाबा। उमा से और राम स्वरूप से धीरे धीरे प्यार दिखा लगल चले, उसमें भैर का एक लाइन यहाँ गीत लग गई। पीछे पीछे आजा मेरी जान की जाई रे, पीछे आजा मेरी जान की जाई रे, पीछे आजा मेरी जान की जाई रे। काली काली घूंघटा में बाल बिखराई रे, काली काली घूंघटा में बाल बिखराई रे, काली काली घूंघटा में बाल बिखराई रे। अरे किया मांग ले गोरी मेरा लाल बच्चा, किया मांग ले गोरी मेरा लाल बच्चा, किया मांग ले गोरी मेरा लाल बच्चा। बारे समय राम स्वरूप से और उमा से देखा प्यार चले शुरू भइल बाबा। मुहावा की चोरिया के करे लागल बतिया, मुहावा की चोरिया के करे लागल बतिया, मुहावा की चोरिया के करे लागल बतिया। दिल के दर्द से दरक गइल छतिया, दिल के दर्द से दरक गइल छतिया, दिल के दर्द से दरक गइल छतिया। रोज रोज लड़ल नजरिया कब सजी सपनवा, रोज रोज लड़ल नजरिया कब सजी सपनवा। प्यार चलत बा भाई साहब, लेकिन सोच गया राम स्वरूप, सोच गया कि खाली प्यारे चली के और कुछ होई देखा भइल का। एक दिन अरे राम स्वरूप तब योजना बनाया है, राम स्वरूप तब योजना बनाया है, राम स्वरूप तब योजना बनाया है। दिन उमा के मकान तक आया है, एक दिन उमा के मकान पर आया है, एक दिन उमा के मकान पर आया है। अरे राम स्वरूप का मन बहकाई है, राम स्वरूप का मन बहकाई है, राम स्वरूप का मन बहकाई है। अरे खानावा खिला कर वही जे सुताई है, खानावा खिला कर वही जे सुताई है, खानावा खिला कर वही जे सुताई है। अरे रंगीन भइल सजरिया कब सजी सपनवा, रंगीन भइल सजरिया कब सजी सपनवा, रंगीन भइल सजरिया कब सजी सपनवा। कौन करेंगे भाई साहब। 12 बजे रात में राम स्वरूप चल दिया उमा के मकान के पास, जोने मड़ई में उमा अपने लड़की के लेके रहल। 12 बजे रात में पहुंचल भाई साहब, उमा भोजन करवलस और राम स्वरूप और उमा एक सेज पर लोग सोए भाई साहब। छोटी लड़की रूबी देख रही है, लेकिन लड़की देखा करे तो करे का भाई का। एक लाइन यहाँ भोजपुरी गीत लगल, अब वह गीत लाइन में नई भोजपुरी गीत लगल। मर्दे से कलेरा राम के मान ला कि बेचन के मेहरारू बेचन से कले तराउर मीठी मीठी बातिया में राउरी मीठी मीठी बातिया में और राज लागता कहीं दियावा बुता दी हमरा लाज लागता हो राजा दियावा बुता दी हमरा लाज लागता हो देखा कह जाला कि जे कर आदत लग जाओ कर आदत छूटेला ना 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 जैसे रोजा उमा घर रात में रोजा उमा घर रात के अरे मुकाम करेला मस्ती में रात से बिहान करेला हो भैया मस्ती में रात से बिहान पड़ गए रोज जब रात होके तो उमा के घरे पहुंच जाए उमा की पाई जी रहली उमा की पाई जी रहली रूबी छोकारिया नजरिया राम स्वरूप देखे भरत नजरिया राम स्वरूप देखे भरत नजरिया बतिया बोले बोलियो के बाबा बतिया बोले बोलियो के परेशान करला मस्ती से रात के बिहान करला हो भैया मस्ती में रात के बिहान करला प्रतिदिन भाई साहब रूबी लड़की चरपाई पे किनारे उ लड़की बैठ के देखे कि हमार माई एक दूसरे के संगे का कर रहल बिया लेकिन राम स्वरूप जो रहलन रूबी की नफरत निगाह से भाई साहब देखता था सोच गया ए लड़की के लखवा मरले बाप एक किनारे बैठल भी देखत बिया देखा भाई का राम स्वरूप और उमा अपने में लोग योजना बना लिए कि आखिरकार लड़की देखत बिया प्रतिदिन कि कोनो बवाल मत हो जाए लेकिन अपने में लोग योजना बनाए क्या बनाए एक लाइन यहाँ गीत लगल नींद नहीं तर्ज लग गई पियावा मिला ला लाला मुंगावा बोले के सपना मारे नाना दी पियावा मिला ला लाला मुंगावा बोले के सपना राम स्वरूप उमा से यह कहलन अरे देखे रोजा अपने नजरिया तोहारी छोकरिया ए धनिया देखे रोजा अपने नजरिया तोहारी छोकरिया ए धनिया अरे उमा कहे एक दिन दबाए देवना कहिया उमा कहे एक दिन दबाए देवना के समैया फरवरी रात के समैया फरवरी रात के समैया बन गई पपिन महतरिया तोहरी छोकरिया ए धानिया बन गई पपिन महतरिया तोहरी छोकरिया ए ही बताती है, सैया तुम्हार प्रेमी न हुआ, हम तुम्हार प्रेम का है। जब ये लड़की देखा दिया तो हम जान से मुआए बदे भी तैयार है। भाई साहब 2 फरवरी रात के समय में, उस समय देखिए लोग क्या कर रहे हैं, उमा और राम स्वरूप टेरी में लिखल गए। बाबा पत्थरवा भई कुसुम की छतिया, बाबा लहू से लाल भइल बा माई काया चरावा। फरवरी रात के समय में भाई साहब उमा और राम स्वरूप उस लड़की के चरपाई के पास पहुंच गए। जान मारने के लिए लड़की रो करके रूबी बच्ची सवाल करती है, माई हमके जन्म न दिले हो, हमरे संगे ऐसा व्यवहार मत करा। लड़की रो रही है, एक लाइन यहाँ गीत लग गए। बच्ची रो करके रूबी लड़की सवाल करती है, जीना जानवा मारा ए जाननी, 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 जीना जानवा मारा ए जाननी। सवाल करती है, जीना जानवा मारा ए जाननी, जीना जानवा मारा ए जाननी, जीना बेटी के बिसारा ए जाननी, जीना बेटी के बिसारा ए जाननी, जीना बेटी के बिसारा ए जाननी। लड़की यही सवाल करती है, माई मत मारा हमके, जान से माई मत मारा, हम गलती का के ले माई, जान तू गलती करत हम केहू से ना बताई। हमार बाबूजी पापा तो छोड़ के बिहार में चल गिला, लेकिन माई हम केहू से ना बताई। लेकिन भाई साहब कमीना नहीं मानी, कैलन का बाबा हाथ गोड़ा धाइले बजाई के पपिनिया, हाथ गोड़ा धाइले बजाई के पपिनिया, हाथ गोड़ा धाइले बजाई के पपिनिया, राम स्वरूप दबावल न कहिया, राम स्वरूप दबावल न कहिया, राम स्वरूप दबावल न कहिया, बन गईली हत्यारा ए जाननी, बन गईली हत्यारा ए जाननी, जीना जानवा मारा ए जाननी, जीना जानवा मारा ए जाननी, जीना जानवा मारा ए जाननी। भाई साहब इतना कहने पर उमा नहीं मानती है, अपनी बेटी के पैर को बांध देती है, हाथ को बांध देती है, जा करके गर्दन राम स्वरूप दबा दिया। रूबी बच्ची इस दुनिया को छोड़ करके चल बसती है। लेकिन देखा भाई का विदेशिया लिखल गया। नटई दबाई के दिल लसिया में पत्थर के टुकड़ा हो, खाई में ले जाके फेंका ले कसैया, भाई साहब मोटरी में लाश को बांध करके वही में पत्थर के टुकड़ा बांध दिए लोग जनाब में, ले जाकर खाई में बिक दिए। लेकिन राम स्वरूप के दोस्त जगदीश सेलन भेंट कर बदे, भैया राम स्वरूप का हाल चल बा, का बात हो। लेकिन उसमें उमा रो करके सवाल करती है कलश की, भैया हमारे लड़की के पता नहीं क्यों लड़की कहाँ चल गई, कहाँ चल गई लड़की, देखा भाई का पॉपट निकल गया। अरे थाने पर जब दिहले रपट लिखाई भंडा खुल गईले, थाने पर जब दिहले रपट लिखाई भंडा खुल गईले, पूछे दरोगा कई के तब कड़ाई भंडा खुल गईले। राजदीप थाने पर खबर दे दिए कि उमा की बच्ची रूबी पता नहीं कहाँ चल गई, कहाँ चल गई। दरोगा साहब आए, जब कड़ाई करके पूछे उमा अपने आप डर से बता देती है, लेकिन देखा ये वो तुलस आल्हा लिखल गया। बरसे विवाह और ना खत्र से हो लेखे सिया भाईया, हमार सैया के उम्र 40 साल रहल, हमार 26 बरस, ई बताओ कैसे जिंदगी बीती। यही राम स्वरूप के हम रख लेली, अपने लड़की की रूबी के मार देनी, लेकिन जेल में ले जा करके बंद कर दिए। आखिरी लाइन में कहना बा जालिम जहरीली जवनिया नगिनिया के ना। स्वरूप को और भाई साहब उमा को सजा सुनाई गई। गुरु बिहारी गुरुपतु गुरु छेबर मन के मीत सुगनंदन काशी बुलू की, अरे अमर हो गई गीती हो, पथरवा भाई कुसुम की छतिया, गीता राम कृत में डुबल बा, गीता राम कृतासु में डुबल चेहरवा, पथरवा भाई कुसुम